भगवान ने अपना वंश अपनी आंखों के सामने ही मरवा डाला। भगवान उपस्थित थे, चाहते तो बचा नहीं सकते थे, जब पांच पांडवों को बचा सकते हैं, हाँ? जब वो गुरु के मरे मराए पुत्र को जीवित कर सकते हैं, गोवर्धन को उठा सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ शक्य स ईश्वर, क्या नहीं कर सकते, लेकिन इनको नहीं बचाया। कारण क्या? क्योंकि उन यदवंशियों में गलत खान और गलत पान, दारू पीने की, नशा करने की ये बुरी आदत लग गई थी। तुम में कोई हो तो बुरो मत मानियो, बुरा मत मानना, और मानना तो फिर मानना, नहीं समझे? मानना तो फिर मेरी मानना। यदि कोई दारूबाज है, शराबी है, मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूं, तुम्हारे इस दारू पीने से तुम्हारी मां खुश है? हां या ना में उत्तर देते चले। पीने वाले तो नहीं देंगे, और ही लोग दे लो। मां खुश है? बोलते जाइए, आप भी बोले। मां खुश है? पत्नी, बेटी, गुरु, भगवान, अड़ोसी पड़ोसी, कौन अकेले मर रहा है? कौन अकेले? बहन खुश नहीं, मां खुश नहीं, बाप रोता है। मां तो अकेले में रोती है कि ऐसो पूत मेरी कोख से पैदा न भयो हो तो मैं तो बांझ रह गई होती तो बड़ी आई है। ऐसो कपूत मेरी कोख से है, पीपी के ये नालियों में पड़ा रहता है, है? पीपी के दुनिया की गालियां सुनता है, है? बुरे भले बकता है, ऐसे कपूत से तो मैं बांझ रह जाती तो बड़ी आती। मां रोती है, और बेटी तो, कई बेटियां तो मेरे पास आकर के रोई, हमारे पापा को समझा दो ना गुरुजी, छोटी सी बच्ची, और वो तो राक्षस हो जाती है पी करके, इंसान तो पीता ही नहीं है, क्योंकि यह इंसानियत को नष्ट करती है। सबसे पहले वार करती है इंसानियत पर, इंसान तो पीता ही नहीं है, वो हो जाता राक्षस, और राक्षस हो जाता है तो फिर बेटी भी घबराती है, पत्नी भी घबराती है, मां भी घबराती है, ये सब रोते हैं। और पता है ऐसा नहीं है, वो सुबह जब होती है, जब उतरती है, तो वो खुद भी अपनी नजरों में इतना गिरा हुआ फील करता है, हैं, कि इससे मर जाऊं तो बढ़िया। तो पहले मैं इस विषय पर बहुत ज्यादा बोला हूं, लेकिन आज समय की मर्यादा में इतना ही कहूंगा, मेरे थोड़े कहे हुए को बहुत समझना। यदि तुम किसके लिए जी रहे हो, तुम किसके लिए कमा रहे हो? औलाद के लिए ना? और आज तुम कमाए कमाए के कितनों उधर जाओ, और तुम शराब पी पी के मरो, तो तुम्हारी औलाद आगे समाज में बोलवे लायक नहीं रहेगी, चाहे छोरी हो चाहे छोरा हो। यदि समाज में बोले हो तो यूं कहेंगे, अरे तू कबते बोलवे लग गो रे दारू शराबी को बेटा, अरे तेरो बाप तो हमने वहां नारी में मोहन रगड़ा तो देखियो, और तू समाज में बोलवे लग गो, कहू की बेटी कहूं ब्याह के, और कहूं ब्याही और वहां ससुराल में बाने, अपनो अपने स्वभाव और कर्म से यश कमाया, और जब यश कमाया उसकी प्रशंसा होने लगी। लेकिन कुछ लोगों तो पता चल ही जाता है, कुछ लोग कहते हैं ये वैसे ही धर्मात्मा बन रही है, हमें पता कौन की औलाद है, हैं? यहां बन रही है धर्मात्मा, कौन की औलाद है? तुम अपनी औलाद को क्या दे जा रहे हो? तुम अपनी पीढ़ी को क्या दे के जा रहे हो? अपनी संतान को क्या दे के जा रहे हो? समाज को क्या दे रहे हो? राष्ट्र को क्या दे के जा रहे हो?
अरे तुम्हें तो न पुत्र कहलाने का अधिकार है, न बाप कहलाने का अधिकार है, हैं? और न भाई कहलाने का अधिकार है, और न तुम किसी के शिष्य ही हो सकते हो, हैं? अपनी बुद्धि खराब कर रहे हो। भगवान ने अपने वंश को नहीं छोड़ा। वो पीने वाले भी क्या कहें, हम तो अपने पैसे की पीते हैं, हम किसी से मांग के पी रहे, अपने पैसे की तो पी रहा है, लेकिन तू बर्बाद तो अपने अपने मां बाप को कर रहा है, बर्बाद तो अपने चरित्र को कर रहा है, हैं? और हमारे अंग्रेजी का एक वाक्य है, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग ऑल थिंग इज लॉस्ट। मांग कर पहनी हुई दस्तार से, बाकी जो कुसंगति के लोग हैं वे जरूर बाकी पीठ ठोक देते, वाह यार बड़ा खर्चा करता है, आज तो अंग्रेजी की पिलाएगा, हैं? उन पे मर जाता है, हैं? उन दुश्मनों पे अपना समझ करके दुश्मनों को अपना समझता है, और पी करके भी अपनी समाज में इज्जत समझता है और अपने आप को बड़ा समझ लेता है। अरे बेवकूफ, इससे ज्यादा और क्या हो जाएगा, तू इससे ज्यादा और क्या हो जाएगा, हद से हद तू बेवफा हो जाएगा। मेरी बात सुनकर को हो सकता है कुछ लोग विपरीत मुझे दुश्मन मान ले, लेकिन इससे ज्यादा और क्या हो जाएगा, हद से हद तू बेवफा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ही मांग कर पहनी हुई दस्तार से, झूठी सोने चांदी की लरों को पहन करके, मांग कर पहनी हुई झूठी उन पहनी हुई दस्तार से, बात दिल तक जाए तो पीछे तक के लोग तालियों से मुझे समर्थन देना, मांग कर या झूठी पहनी हुई दस्तार से, सोचता है वो बड़ा हो जाएगा, है? इससे ज्यादा और क्या हो जाएगा, हद से हद तू बेवफा हो जाएगा, हद से हद तू बेवफा हो जाएगा। प्यारे हो, मैं तो मुर्गा हूं, ये हमें बुला के लाए, यहाँ का शिक्षक वर्ग और ये केपी मिल करके बुला करके लाए, मैंने 9 दिन बांगे दी हैं यहाँ, अब ये जगना या न जगना ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, कोई मेरी जबरदस्ती नहीं है, मेरा काम बांग देने का है, मैंने बांगे दी हैं और चीख चीख के बांगे दी हैं, लेकिन एक बात कहे जाता हूं, चलने का मेरा समय होने जा रहा है, कहे जाता हूं, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, कुछ क्षण में रम जाएंगे, पर बट
संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, मेरे लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए ही इस दारू को मैं नहीं कहूंगा छोड़ना, सोच लेना, शर्म होगी तो काफी है इतना ही, और बेशर्मों के लिए तो कुछ भी नहीं है, है? संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। एक बार और चलते चलते हाथ ताली बजवाऊंगा, ऊपर हाथ करके हर जाओगे तो कल ये दुखेंगे तो मोइये गाई देवे। एक बार और बजवा लो, रुको रुको, अरे रुक, अभी तो पूछ ही रहा हूं, पहले नीचे हाथ, मैं ऊपर करूं तो ऊपर, नीचे करूं तो नीचे। गिरिराज महाराज की संकल्प करना भीतर कि आज से हम छोड़ देंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। ऊपर हाथ खड़े नहीं कराऊंगा, पहले तो मैं ऊपर खड़े करा के फेंकवा देता था, लेकिन अब तो मैं कहूंगा भीतर भीतर संकल्प कर लेना, तुम्हारी इज्जत भी दबी रहे और तुम्हारा काम भी बन जाए, ये मेरी तरफ से रियायत। भैया प्रवास क्षेत्र में यदवंशियों का संहार हुआ इस गलत खान पान के कारण।